हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऐप लॉक है, तो ऐप लॉक को आप कैसे सेट कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन में, और अपने फ़ोन में ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि ऐप लॉक सेट कैसे कर सकते हैं और अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगा पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऐप लॉक है, तो ऐप लॉक को आप सेट कैसे कर सकते हैं और ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं फ़ोन में। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपके फ़ोन में ऐप लॉक को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी ऐप लॉक सेट करना चाहते हैं, इस तरीके से पासवर्ड डालते हैं, तो जो भी आप अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में ऐप लॉक लग जाएगा। जब आप किसी भी ऐप्स को ओपन करते हैं तो उसमें इस तरीके से लॉक शो कर जाएगा, क्योंकि हमने ऐप लॉक लगा दिया है, तो इस तरीके से ऐप लॉक शो करेगा। एंड आप चाहें तो ऐप लॉक को ऑफ भी कर सकते हैं, ऐप लॉक को रिमूव भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ऐप लॉक को सेट कर पाएंगे ना, आप रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि जैसे आप सेटिंग्स पे जाते हैं, तो यहाँ से ऐप लॉक सेटिंग्स पे जाकर ऐप लॉक को हटा भी सकते हैं। सिंपली यहाँ से जाएंगे, ऐप लॉक सेटिंग्स को ओपन करना है, और जब आप पासवर्ड डालते हैं तो कुछ इस तरीके से ऐप लॉक सेटिंग्स आ जाएगी। तो जो भी आपके लॉकेड ऐप्स हैं उसको यहाँ से आप अनलॉकेड भी कर सकते हैं, और आपके किसी भी ऐप्स में लॉक शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने अनलॉक कर दिया है। एंड आप इसको लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं, जैसे हमने अपडेटर को लॉक कर दिया है, स्क्रीन रिकॉर्डर को भी लॉक कर दिया है, तो जो ऐप्स हैं आपके लॉक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं और ऐप लॉक को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।